हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो मिलिटेंट नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ था, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, उसकी वजह से कैसे एक नेशनल मूवमेंट आता है प्ले में। और वो हम देखेंगे जब गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम बंगाल का पार्टीशन करने जा रहे हैं, तब एक अलग लेवल का नेशनल मूवमेंट शुरू होता है। अब हम लोग पहले उस नेशनल मूवमेंट के तरीके को, उस मूवमेंट को, उस प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके तुरंत बाद हम ये देख लेंगे कि बंगाल का पार्टीशन क्यों किया जा रहा था, किस तरीके से किया गया, क्या उसका डिवीजन रहा, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज रहे, क्या कांग्रेस का स्टैंड रहा। पहले हम ये देखेंगे कि मूवमेंट किस तरीके से डेवलप हुआ। तो चलिए देख लेते हैं बंगाल का जब विभाजन हुआ, जब पार्टीशन हुआ, तो किस तरीके से मूवमेंट डेवलप होता है। आप इधर देखिए कि स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट नाम का एक मूवमेंट डेवलप होता है, जब बंगाल का पार्टीशन के लिए बोला जाता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट का डेवलपमेंट हम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से होगा। इसका एक टाइमलाइन देखिए, इस टाइमलाइन के थ्रू हम लोग डेट्स के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं कि किस तरीके के, किस डेट के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई। वो अगर याद हो गया तो दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला जो डेट आता है वो है दिसंबर 1903। दिसंबर में 1903 में ऑफिशियल डिक्लेरेशन आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम लोग बंगाल का पार्टीशन करने वाले हैं। फिर जुलाई 1905 में गवर्नमेंट जो है वो पार्टीशन अनाउंस कर देती है कि हम पार्टीशन अब करेंगे। फिर 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि ये द डे ऑफ पार्टीशन है, इसी दिन पार्टीशन होता है। किस दिन होता है? 16 अक्टूबर 1905। अब ये देखिए कि जब ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है और जब अनाउंस किया जाता है, इनके बीच में जो समय है तकरीबन तकरीबन 2 साल का, इस समय के बीच में किस तरीके से मूवमेंट को डेवलप किया जाता है ताकि ये जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ है पार्टीशन का, इस पार्टीशन को आइडिया को गवर्नमेंट स्टॉप कर दे। तो मूवमेंट होता है मॉडरेट की तरीके से। यहाँ आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर कौन डोमिनेट करता है। यहाँ डोमिनेट करते हैं मॉडरेट, यानी कि ये जो पॉलिटिक्स होती है ये मॉडरेस्ट मॉडरेस्ट मॉडरेट पॉलिटिक्स देखने मिलेगी कि यहाँ पर मॉडरेट्स का बोलबाला रहा और मॉडरेट्स ने अपनी तरीके से यहाँ पर पॉलिटिक्स की। क्या किया? पहला पेटिशन भेजते थे गवर्नमेंट को कि पार्टीशन मत कीजिए, पब्लिक प्रोपेगेंडा चलाते थे, मेमोरेंडा करते थे, पैम्पलेट्स बांटते थे लोगों में ताकि उनके अंदर ये चीज आ सके कि बंगाल का पार्टीशन को रोकना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। न्यूज़पेपर चलाते थे जैसे कि हिताब्दी, संजीवनी, बंगाली, ये सब न्यूज़पेपर थे जिनमें एक ऐसा पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए कोशिश किया गया कि बंगाल का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। इन सभी का मकसद क्या था? टू पुट प्रेशर, प्रेशर पी माने प्रेशर, ऑन गवर्नमेंट बाई एजुकेटेड पब्लिक ओपिनियन। लोगों के मत के थ्रू गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला जाए कि पार्टीशन ना हो बंगाल का, ठीक है। तो ये सब एक मॉडरेस्ट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स हम यहाँ देखने मिली। तो शुरुआत में मॉडरेट डोमिनेट कर रहे थे 1903 से 1905 में, तो मॉडरेट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स देखने मिली और ये मूवमेंट का एक चला। फिर आता है जुलाई 1905 से लेकर के 16 अक्टूबर 1905, ये लगभग लगभग जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये लगभग लगभग 2 महीने का पीरियड है। 2 महीने के पीरियड में ही, इन 2 महीने के पीरियड में ही किस टाइप का प्रोटेस्ट चला, देखिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है कि हम पार्टीशन करेंगे, तो अभी तो तय हो गया कि पार्टीशन होगा, पर ये नहीं पता है कब होगा। तो इस तारीख को हो गया, लेकिन इनके बीच में एक बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट चलाया गया ताकि पार्टीशन को रोक ही दिया जाए किसी भी कीमत पर। तो ये जो एक प्रोटेस्ट देखने मिला वो हमें देखने मिलेगा कि ये जो थी ये एक्सट्रीमिस्ट टाइप का प्रोटेस्ट था, जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने लीड किया, क्योंकि मॉडरेट्स यहाँ फेल कर चुके थे अपनी मॉडरेस्ट पॉलिसी से कि वो पार्टीशन को रोक सके। तो एक्सट्रीमिस्ट ने लीड किया रोल में, और प्रोटेस्ट किस टाइप की हुई? मीटिंग्स बैठाई गई, बैकआउट के लिए प्लेज किया गया। 7 अगस्त 1905 को बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट के रिजोल्यूशन पास किया गया, कहाँ पर? कलकत्ता टाउन हॉल में, जहाँ पे मीटिंग हुई थी कि अब जो भी बाहर के प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग बायकॉट करेंगे और इंडियन प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर अब इस टाइमलाइन के खत्म होते होते जब एग्जीक्यूट हो गया पार्टीशन, तो उसके बाद का भी एक समय होता है आफ्टर आफ्टर पे, ये एस्टेरिस्क का मार्क है, यहाँ पे आ जाइए एस्टेरिस्क के मार्क पे, ठीक है। ये पढ़ते हैं आफ्टर पार्टीशन क्या होता है, और जब पार्टीशन हो जाता है तो पार्टीशन के खिलाफ किस तरीके से विद्रोह निकलता है वो देखते हैं। लोगों ने फास्ट किए, फास्ट मतलब कि व्रत रखे इसके शोक में, और इसको द डे ऑफ मॉर्निंग के नाम से भी जाना जाता है।
मॉर्निंग मतलब कि शोक दिवस के नाम से भी पार्टीशन ऑफ बंगाल को मनाया जाता है। लोगों ने फास्ट रखे, गंगा में बात किया, राखियां बांधी, जो दोनों पार्ट थे बंगाल के उन लोगों ने आपस में राखियां बांधी एक यूनिटी को दिखाने के लिए। वंदे मातरम का सॉन्ग गाया गया, प्रोसेशन निकाले गए, प्रोसेशन मतलब कि जो यात्राएं होती हैं पीसफुल मार्चर्स वो सब। फिर अमर सोनार बांग्ला गाया गया जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो कि आज के बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी है। फंड रेज किए गए इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, किसने किया, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, लगभग लगभग 50,000 के तकरीबन जो है फंड हमें देखने मिलता है कि कलेक्ट हो जाता है उस टाइम पे। मूवमेंट किस तरीके से आगे ले जाया गया अलग अलग एरियाज में इंडिया के, तो हम देखेंगे कि पूना और बॉम्बे में तिलक लीड करते हैं स्वदेशी और इस मूवमेंट को, वर्कआउट मूवमेंट को। पंजाब में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय इस मूवमेंट को लीड करते हैं, और मद्रास में चिदम्बरम पिलाई इसको लीड करते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से बंगाल का पार्टीशन किन किन ग्राउंड्स पे होता है, और किस तरीके से बंगाल का पार्टीशन वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में होता है, गवर्नमेंट क्या उसके लिए रीजन बताती है। तो चलिए देख लेते हैं बंगाल के पार्टीशन में। यहाँ हम देखेंगे बंगाल पार्टीशन, इस बंगाल का पार्टीशन करने के लिए जो ऑफिशियल रीज़न अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से दिया गया वो ये था कि जो है बंगाल जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था कि उसको एडमिनिस्टर किया जाए, उसके ऊपर शासन किया जाए। पर इसका जो रियल मकसद और जो रियल रीज़न था वो था डिवाइड एंड रूल का, कि हम भारतीयों को डिवाइड करते हैं अलग अलग तथ्यों और विचारधाराओं के आधार पर, ताकि जो भारतीय हैं और जो बंगाल है जो कि नर्व सेंटर हो गया था नेशनलिज्म नेशनल मूवमेंट का और फ्रीडम स्ट्रगल का, उसको तोड़ा जा सके और फ्रीडम स्ट्रगल की आग को बुझाया जा सके। तो बंगाल को दो हिस्सों में पार्टीशन करने का सोचा गया, और इस तरीके के हिस्से को बोला गया वेस्ट बंगाल, इधर को पार्टीशन करके किया गया ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में आसाम के साइड के सारे प्रोविंसेस आते थे, और वेस्ट बंगाल में बिहार उड़ीसा वाले साइड के सारे सारे प्रोविंसेस आते थे। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल बनी वो थी कलकत्ता, ईस्ट बंगाल की जो कैपिटल बनी वो थी ढाका, जो कि आज को जो आज जिसे हम लोग ढाका बोलते हैं उस टाइम पर उसको ढक्का बोलते थे, ढक्का, ठीक है। और ईस्ट बंगाल जो है उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, जबकि वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी में थे। एक चीज़ देखने वाली ये है कि ये जो ईस्ट बंगाल है जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, वो अपने आप को प्रिविलेज्ड सोचने लग गए। उनको ये लगा कि बहुत टाइम बाद एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस हमें देखने मिल रही है, तो इससे हमें को एक स्पेशल राइट मिल रहा है, एक विशेष अधिकार मिल रहा है जो किसी के पास नहीं है। और इसलिए इन लोगों ने सोचा कि हम भी पुराने दिनों की तरह ही एक मुस्लिम मेजॉरिटी और एक मुस्लिम पावर वाला स्टेट देख पाएंगे। और ब्रिटिश ने ये भी लालच दिया कि ये जो नया ईस्ट बंगाल है इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी होंगे और उनका ढक्का उनका नया कैपिटल होगा, तो मुस्लिम ने तो इसको पार्टीशन को फेवर किया, ठीक है। जो मेन आपको देखने मिलेगा कि ये जो रेजिस्टेंस था वो हिंदी की तरफ हिंदुओं की तरफ से ज़्यादा देखने हमको मिला, ठीक है। और एक चीज और एक बेसिस पे जिसपे किया गया वो ये था कि लैंग्वेज के बेसिस पर भी जो है डिवाइड किया गया था दोनों बंगाल के हिस्सों को। वेस्ट बंगाल में जो बंगाली लैंग्वेज वाले बोलने वाले लोग थे, बंगाली लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे वो माइनॉरिटी में थे, जबकि ईस्ट बंगाल में बंगाली लैंग्वेज बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में थे। तो ये हमें देखने मिला कि लैंग्वेज की बेसिस पर डिवाइड किया, रिलीजन की बेसिस पर डिवाइड किया, कैपिटल अलग अलग कर दी, और मुस्लिम के जो कम्युनिस्ट थे जो मुस्लिम ग्रुप के लोग थे उनको कांग्रेस के प्रोपेगेंडा को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया, उनको ये बोल करके कि मुस्लिमों को अपने साइड में ले करके उनको ये दिखा करके कि हम आपको प्रिविलेज दे रहे हैं, आप फिर पुराने दिन वापस आ जाएंगे, मुस्लिम मेजॉरिटी होगा, एक कैपिटल आपको मिलेगा, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस मिलेगी, तो वो एक चीज़ उनके अंदर लगी, तो मुस्लिमों को अपनी तरफ करके और इस मूवमेंट को कम करने की बात की गई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस का इसके ऊपर क्या स्टैंड था। तो कांग्रेस का स्टैंड देखेंगे, देखते हैं कि कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा। कांग्रेस का 1905 में एक सेशन होता है, एक अधिवेशन होता है जो बनारस में होता है, जिसके प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं। इस सेशन में दो रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं। एक रिजोल्यूशन होता है जो कंडेम करता है पार्टीशन को, यानी कि पार्टीशन की निंदा करता है, और रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन को, कर्जन की जो रिएक्शनरी पॉलिसीज हैं
पार्टीशन ऑफ बंगाल जैसी उनकी भी निंदा करता है। दूसरा रिजोल्यूशन पास हुआ जिसने सपोर्ट किया स्वदेशी मूवमेंट और एंटी पार्टीशन मूवमेंट को, ठीक है। और उस समय कांग्रेस तो उस समय कांग्रेस में दो विचारधाराओं के लोग रहते थे, एक थे मॉडरेट्स एक थे एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट्स का मानना था कि जो मूवमेंट है वो बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि नहीं, ये बंगाल तक ही नहीं, ये विदेश के बाकी हिस्सों में भी जाना चाहिए और ये फुल फ्लेज होना चाहिए। सिर्फ बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट में ही नहीं, पूरा का पूरा पैसिव रेजिस्टेंस हमें करना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, तो उसके चाहिए उसके उसके सॉल्यूशन के लिए कॉम्प्रोमाइज पे लोग पहुँचते हैं। उस कॉम्प्रोमाइज के तहत एक 1906 में जो सेशन होता है कांग्रेस का, जो कि कलकत्ता सेशन होता है, इस सेशन में दादा भाई नौरोजी न्यू प्रेसिडेंट होते हैं। और इस सेशन में कांग्रेस से गोल को रिवाइज किया जाता है, उससे गोल को चेंज किया जाता है और वो बन के आता है स्वराज। स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट। अब कांग्रेस का जो एम है वो सेल्फ गवर्नमेंट हो गया ऑन द लाइंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनेडा एंड यूनाइटेड किंगडम। जैसे यूनाइटेड किंगडम में, कैनेडा में और ऑस्ट्रेलिया में सेल्फ गवर्नमेंट है, ब्रिटिश कॉलोनीज वो भी थी, वहाँ पे भी है सेल्फ गवर्नमेंट, उसी तरीके से इंडिया में भी सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, ऐसा एक रिजोल्यूशन पास हुआ एज अ गोल एम के तौर पे कांग्रेस के, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो 1985 में पार्टीशन हो जाता है बंगाल का, उसके बाद ये जो मूवमेंट है एंटी पार्टीशन और स्वदेशी, ये जो मूवमेंट है ये कैसे एक्सट्रीमिस्ट के अंडर बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ता है और क्यों बढ़ता है, क्या प्रोसेस है ये देख लेते हैं, और किस तरीके से जो स्ट्रगल के इम्पैक्ट रहता है, किस तरीके का स्ट्रगल रहता है वो भी देखते हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप में ये मूवमेंट आगे बढ़ता है। मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ये कैसे बढ़ता है, इट ग्रू, कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, ग्रू बिकॉज, क्यों बढ़ा, क्योंकि मॉडरेट जो थे वो फेल कर गए। किस चीज़ें फेल कर गए मॉडरेट, तो उसका सीधा सा आंसर है कि 1905 का जो पार्टीशन होना था उसको रोक तो पाए नहीं, तो अब एक्सट्रीमिस्ट में लोगों को होप दिख रही थी कि इनकी जो आइडियोलॉजी है ये कुछ काम कर सकती है इंडियंस के लिए, ठीक है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी ब्रिटिशर्स की, उसने इन्फ्यूरिएट कर दिया था इंडियंस को, इंडियंस को पूरे तरीके से बहुत बुरे तरीके से गुस्सा दिला दिया था। रिप्रेसिव पॉलिसी जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, चाहे वो वंदे मातरम के खिलाफ हो, चाहे वो जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं मूवमेंट्स में उनके खिलाफ हो, या सारे सारे इंडियंस के खिलाफ हो, बहुत बुरी तरीके से रिप्रेस करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इन तीनों की वजहों से जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप में ग्रो देखने मिला, क्योंकि मॉडरेट वहाँ पे फेल कर रहे थे, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम में क्या हुआ 1906 में, अभी हमने इससे पिछले पहले देखा जरा सा बिल्कुल पहले, इस स्वराज गोल बना दिया गया था इंटरनेशनल कांग्रेस का 1906 के कलकत्ता सेशन में। तो एक्सट्रीमिस्ट ने लीडरशिप ले ली, अब एक्सट्रीमिस्ट जो थे इस बात से इंकरेज हो गए, उनको उनका साहस बढ़ा, उन्होंने बोला कि अब हम लोग पूरी तरीके से पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरीके से बायकॉट कर देंगे हर तरीके से और हर जगह से, सिर्फ बंगाल में ही नहीं। तो ये इसका एम ये था कि टू डिसेबल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, शासन प्रक्रिया है, उसको डिसेबल किया जा सके, उसको ध्वस्त किया जा सके, ताकि, और इससे उनका मानना था कि आज़ादी मिलेगी, पर इस आज़ादी के लिए इट रिक्वायर्स सेक्रीफाइस, बलिदान की भी जरूरत पड़ेगी इस आज़ादी के लिए, सिर्फ मूवमेंट करने से नहीं, लोगों का बलिदान की जरूरत पड़ेगी, यूथ को बलिदान देना पड़ेगा, ठीक है। और अरविंदो ने तो ये तक कह दिया, ये बात याद रख लीजिए, कभी कभी किसी के छोटे छोटे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आ जाता है ये कि ये किसने कहा था, या फिर अरविंदो ने इनमें से क्या क्या कहा था, ऑप्शन दे देंगे। तो इन्होंने अरविंदो घोष ने एक चीज़ कही कि पॉलिटिकल फ्रीडम इज लाइफ ब्रीथ ऑफ अ नेशन, जो राजनीतिक रूप से जो फ्रीडम है इंडियंस के पास, जो फ्रीडम होती है किसी भी इंसान के पास, वही लाइफ ब्रीथ होती है नेशन की, वही सांस होती है एक राष्ट्र की, ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप में नए नए इस टाइप के स्ट्रगल और उनके इम्पैक्ट हमें देखने मिले, किस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप में स्ट्रगल होता था वो भी देख लेते हैं। वही देखते हैं क्या करते थे वो लोग, बैकआउट करते थे, किसका बैकआउट करते थे, फॉरेन गुड्स का, ठीक है। आप इस तरीके समझ सकते हैं कि फॉरेन गुड्स का इस कदर से बैकआउट होता था कि धोबी वाले भी विलायती कपड़े धुलने से मना कर देते थे, बोलते थे हम ये नहीं धुलेंगे। तो इस वजह से फॉरेन गुड्स का कोई सामान बिकना बंद हो गया और काफ़ी ढेर सारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है फॉरेन गुड्स का खत्म हो गया, ठीक है। पब्लिक मीटिंग बनाई गई, प्रोसेशंस किए गए ताकि लोगों में मास अवेकनिंग लाई जा सके,
ये स्टैब्लिश किया गया कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स समितिज। बेसिकली वॉलंटियर्स का जो कॉर्प्स है या फिर वॉलंटियर कॉर्प्स या फिर समिति जो भी बोले आप, इनका काम ये था कि एक ये सोशल वर्क एक मूवमेंट इकट्ठा करें और जितने भी एपिडेमिक्स हो रहे हैं, फैमाइन हो रहे हैं, उनमें लोगों की मदद की जा सके, लोगों में मास अवेकनिंग लाया जाए और इंडियंस की वेलफेयर के लिए प्रोग्राम चलाए जाए। तो ये वॉलंटियर कॉर्प्स करते थे, उनमें से कुछ के नाम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी ऑब्जेक्टिव टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछे जा सकते हैं। जैसे कि स्वदेश बंधव समिति, स्वदेश बंधव समिति किसने स्टैब्लिश की? अश्विनी कुमार दत्त ने स्टैब्लिश की। स्वदेश बंधव समिति किसने स्टैब्लिश की? अश्विनी कुमार दत्त ने स्टैब्लिश की। स्वदेश संगम, स्वदेशी संगम, सॉरी, स्वदेशी संगम किसने स्टैब्लिश किया? वीओ चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा ने मिल करके कहाँ स्टैब्लिश किया? तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया। तमिलनाडु टीएन मतलब तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया इन दोनों लोगों ने मिल करके स्वदेशी संगम। और इसका गोल क्या था इन इन सारे सारे वॉलंटियर कॉप्स का? टू अवेकन द मासेस, मासेस में जागरूकता लाई जाए। थ्रू कैसे लाएंगे? लेक्चर्स दे करके। मैजिक लैंडेड लेक्चर्स उस टाइम पे हुआ करते थे जो लोगों को अवेकन करते थे, उनके अंदर जागरूकता लाते थे। सोशल वर्क किया जाए, सामाजिक कार्य किए जाए ड्यूरिंग फेमाइंस एंड एपिडेमिक्स। भुखमरी और जब कोई बहुत कोई एक डिजीज बहुत ज़्यादा फैल जाती थी उस समय भी सोशल वर्क किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल्स, स्कूल बनाए जाएँ ताकि एक नेशनल स्कूल्स बनाया जाए ताकि वहाँ पे इंडियंस के लिए अच्छी शिक्षा दी जा सके। अदर सोशल वर्क और बाकी ढेर सारे सामाजिक कार्य भी किए जा सके। और छठा देखते हैं प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन। अब हमने एक बार जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डिफरेंस किया था तो उसमें हमने ये देखा था कि एक्सट्रीमिस्ट जो है हमेशा से ही नेशनल एजुकेशन के फेवर में रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में नहीं। तो एक्सट्रीमिस्ट ने नेशनल एजुकेशन लगाने के लिए और चलाने के लिए कुछ चीज़ें की, जैसे कि बंगाल नेशनल कॉलेज बनाया जिसके प्रिंसिपल थे औरबिंदो घोष, जो कि एक वेल नोन एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। ठीक है, 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया गया ताकि ऑर्गेनाइज किया जा सके एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑन मॉडर्न लाइंस, एक ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो कि मॉडर्न हो, मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन एक निकाला जा सके। एजुकेशन जो मिले बच्चों को वो उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में मिले, यानी कि उनकी लोकल लैंग्वेज में मिले। ठीक है, फिर बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया गया जिसमें फंड रेज किया जाता था ताकि बच्चों को जापान भेजा जा सके एडवांस स्टडीज के लिए। फिर स्वदेशी इंटरप्राइजेस, यानी कि जो है स्वदेशी कंपनी से निकल के आई जिन्होंने अंग्रेजों को टक्कर दिया, जैसे कि वीओ चिदम्बरम पिल्लई की एक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री निकल के आई जिस कंपनी का नाम था स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, जो कि टूटीकोरिन में इस्टेब्लिश की गई और इसने ब्रिटिश की स्टीम नेविगेशन कंपनी को बहुत तगड़ी तरीके से टक्कर दी, क्योंकि उस टाइम पर स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो सब लोग स्वदेशी प्रोडक्ट्स ही प्रेफर करते थे। ठीक है, फिर कल्चरल स्फीयर में इम्पैक्ट देखने मिला इसका। इस तरीके से सॉन्ग्स की बात करें हम, सॉन्ग्स जो गाने लिखे जाते थे उस टाइम पे, उनके अंदर दो नाम आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने अमार सुनार बांगला लिखा जो कि पार्टीशन के बाद गाया जाने लगा एक नेशनलिज्म की फीलिंग के थ्रू, और अमार सुनार बांगला आज का बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी है। ठीक है, फिर सुब्रमण्य भारती जो है इन्होंने सुदेश गीतम लिखा है, सुदेश गीतम ये जो सॉन्ग है ये इन्होंने लिखा है सुब्रमण्य भारती। ठीक है, फिर अवनींद्रनाथ टैगोर इन्होंने इंडियन आर्ट और उसके थीम पर अपने पेंटिंग बनानी शुरू की। देखिए हम सॉन्ग्स की बात कर रहे थे, उनके अंदर दो नाम आए टैगोर का और सुब्रमण्य भारती का, अब पेंटिंग की बात कर रहे हैं जिनके अंदर एक नाम आता है अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इंडियन आर्ट और सीन पे पेंटिंग बनाई और विक्टोरियनिज्म यानी कि अंग्रेज 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 के जो राजा और अंग्रेज की जो रानियां हुआ करती थी उनका और अंग्रेज की पैटर्निस्ट को छोड़ करके अंग्रेजों से रिलेटेड कोई पिक्चर बनाना बंद कर दिया। ठीक है, फिर पेंटिंग में ही एक और नाम आता है नंद लाल बोस। ठीक है, जो जिन्होंने इंडियन आर्ट पे पेंटिंग बनानी चालू की, और इनके बारे में खास बात यह है जो आपको याद ही रखनी चाहिए क्योंकि ये कहीं भी पूछा जा सकता है, तो वो ये है कि ये
इनको जो है ना सबसे पहले स्कॉलरशिप मिली थी, ये सबसे पहले रिसीवर रहे स्कॉलरशिप के। कहाँ से? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जो कि 1907 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो 1907 में इस्टेब्लिश की जाने वाली इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से स्कॉलरशिप पाने वाले पहले रिसीवर कौन थे? तो वो थे नंदलाल बोस, ये जरूर याद रखिएगा। और फिर आता है साइंस के फील्ड में, साइंस के फील्ड में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया जो कि इंडियन सी थे, वो थे जैसे कि जगदीश चंद्र बोस। एक और नाम आता है जो इम्पोर्टेंट है, वो है प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ठीक है। तो ये दोनों लोगों ने, इन दोनों लोगों ने साइंस में बहुत अच्छा योगदान दिया। अब फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से इस पार्टीशन को गवर्नमेंट हटा देती है और किस तरीके से गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इस्तेमाल करती है जब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में, और किस तरीके से सूरत स्प्लिट आता है, और उससे आगे की सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और वो क्वालिटी मेंटेन रहे इसलिए शायद 2 या 3 पार्ट और आए इसके बाद, 2 पार्ट आ सकते हैं, फिर 3 पार्ट आ सकते हैं। पर अश्योरमेंट ये है, अश्योर ये करता हूँ मैं आपको, क्वालिटी मेंटेन रहेगी और कुछ भी स्किप नहीं होगा। इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको स्पेक्ट्रम की बुक शायद ही हाथ उठाने की जरूरत पड़े, दैट इज ये क्योंकि सेल्फ सफिशियंट है। इनको अगर आप देखते हैं 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हैं 1.5 या 2 की स्पीड पे, तब मुझे नहीं लगता कि आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू।